हेलो पीयूष, हेलो अनिल कुमार, कैसे हो आप? आप लोगों को आई होप कि ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। पीयूष, आपको मेरा वीडियो भी नजर आ रहा है क्या? मैं इस क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। ठीक है पीयूष, तो इसमें बताइएगा कौन से ऑप्शन रहेंगे हमारे, ए रिवर्स फॉल्ट, बी नॉर्मल, सी ओवर थ्रस्ट और डी ट्रांसफॉर्म। तो इसमें मैं है ना आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ पीयूष, ये जो फॉल्ट है ये नॉर्मल फॉल्ट है नॉर्मल फॉल्ट इसलिए है क्योंकि ऐसे फॉल्ट नॉर्मल होते हैं जिसमें कि एक हिस्सा, एक चट्टान जो है वो, हाँ, एक चट्टान जो है वो ग्रेविटी के कारण जो है वो नीचे खिसक जाती है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। तो ये ग्रेविटी के कारण ये हिस्सा, ये जो फॉल्ट है ये नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो इसे हम नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे। देखो, ये फॉल्ट प्लेन हो गया। फॉल्ट प्लेन में दो ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक को कहेंगे इसको हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल, और इसको हम कहेंगे फुट वॉल। तो यदि हैंगिंग वॉल फुट वॉल से नीचे आ रही हो, जैसे कि यहां पर आ रही है, तो हम इसको नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कस्पिट डेल्टा जो होता है ये ताइबर नदी का है जो कि इटली में बहती है, और इसका जो डेल्टा है वो कस्पिट डेल्टा है। हेलो रोशन, तो लोंगिट्यूडनल ड्यून्स जो होते हैं ना वो सेफ ड्यून्स कहलाते हैं। ट्रांसवर्स बर्खन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स ड्यून। कोस्टल ड्यून्स आर पैराबोलिक। बेसिकली कोस्टल ड्यून्स में क्या होता है कि होते ये भी बर्खन जैसे ही होते हैं, इनमें और बर्खन में एक अंतर रहता है कि बर्खन जहां आधे चंद्रमा जैसे होते हैं, वैसे ही कोस्टल जो ड्यून्स होते हैं ना उसमें अंदर की तरफ गड्ढा होता है। जो सी ब्रीज आ रही होती है वो यहाँ की मिट्टी को ऊपर ऐसे जमा करा देती है। ठीक है, तो ये अंदर से खोखले होते हैं, गहरे होते हैं, इनको पैराबोलिक ड्यून्स कहते हैं और ये सिर्फ तटों पर मिलते हैं। जबकि लोंगिट्यूडनल ड्यून्स का निर्माण जो है वो दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं करती हैं, तो उनके बीच में एक सिंगल यू लकीर वाली ड्यून बन जाती है। ऐसे इनके बीच का जो रास्ता होता है उसे गस्सी कहते हैं, गस्सी। ठीक है, नेक्स्ट है ये केव फॉर्मेशन की कुछ थ्योरीज हैं। कम से कम 2010 के बाद ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस नेट में पूछे जा चुके हैं, तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। टू साइकिल थ्योरी जो है वो डेविस के द्वारा दी गई है। वाटर टेबल थ्योरी स्विनरटन के द्वारा दी गई थी। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्डनर के द्वारा दी गई है, और इन्वेजन थ्योरी जो है वो मरोट के द्वारा दी गई है। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से केव्स का निर्माण हुआ है। कास्ट जोन्स में केव्स हमें मिलती है, तो किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है। टू साइकिल थ्योरी ये कहती है कि असल में एक बार वाटर लेवल, वाटर टेबल नीचे गया था, फिर वो ऊपर आया था, दो बार इसका निर्माण हुआ। तो
इसका जो एग्जाम इसका आंसर रहेगा हमारा बी आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी नेट के पेपर में 2010 के बाद से तीन चार बार पूछा जा चुका है कि लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन वो किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा जी के जिल्बर्ट, जिल्बर्ट ने ये थ्योरी दी थी पेडिमेंट फॉर्मेशन का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो मिंटी शर्मा, कैसे हो? इनके आंसर करोगे इस क्वेश्चन का? ए बी, ठीक है। मनोज ने कहा है बी। मिंटी आप भी करिए आंसर। बी, मिंटी का आंसर भी बी है। ओके तो ए चार है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035% होता है, और नाइट्रोजन जो है वो 78.08% होता है। तो ए चार बी तीन बी आंसर होगा। दीप बराग ने भी बी आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए ये करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन भी नेट के पेपर में बहुत इनका एक प्रेफर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 2010 नेट के बाद से कई बार पूछा जा चुका है, इसी सीक्वेंस में नहीं पर डेफिनेटली। सेलाइन वाटर का जैसे डेंसिटी एयर की डेंसिटी के मुकाबले कितने गुना बड़ा है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें। तो इसके बारे में इसका आंसर करिए आप लोग। हाँ मिंटी, मैं हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा रहे हैं आज, अभी यूट्यूब पर हम कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं। मनोज ने कहा है डी। ओके मनोज, एटीन का डी। ओके मनोज, ठीक है। सी वाटर का डेंसिटी देखो ध्यान से, सी वाटर सैलिनिटी देखते हैं। पीयूष ने बी बताया है। ओके पीयूष, नहीं मिंटी हमारा शेड्यूल होता है ना, तो आज जैसे अभी यूट्यूब पर है तो हमें ये करना पड़ेगा, अभी यूट्यूब पर भी करना पड़ता है बीच बीच में, और प्लस में तो हम मैं करवाता है इनको। हाँ प्लस में तो हम कर ही रहे हैं इनको, प्लस में भी होगा कंफर्म।
हाँ, मैं बता रहा था कि सैलिनिटी क्या होती है. सैलिनिटी जो होती है वो सी के अंदर 35 ग्राम पर 1 लीटर वाटर है. तो यदि मैं इसको मिला दूं, सी पानी की डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये नमक भी इसके अंदर मिला दिया जाए तो सी वाटर की डेंसिटी हो जाएगी 1.035 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओशियनिक क्रस्ट होता है उसका डेंसिटी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एग्जैक्टली ये 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसकी डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर स्क्वायर क्यूब. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है एग्जैक्टली 2.7 या 2.9, 3.0 नहीं दिए गए हैं, इसमें 2.8 और 2.9 दिए गए हैं. तो सी वाटर हो गया A2, B4, और वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो हमारा है फिर 3, C3 और D1. तो ये हमारा आंसर है सी. चलिए इसका आंसर बताइए. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरो. क्योटो प्रोटोकॉल में CO2 को कम करना था, जबकि मॉन्ट्रियल में सीएफसी को कम करना है. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नहीं, अनिल रुको रुको रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूं ना. इसे रीजनिंग क्या है वो इस पर डिपेंड करता है आपका. हाँ वो नहीं, इसमें है ना ओजोन वाले में. अब देखो आप रीजनिंग क्या देते हो, रोशन वो डिपेंड करता है. अब क्योटो में क्या कम करने की बात हुई थी, कौन सी गैस कम करने की बात हुई थी? क्योटो में जो था वो CO2 कम करने की बात हुई है. तो मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल में कौन सी गैस कम करने की बात हुई है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है हमारा सीएफसी गैसों को प्रोडक्शन बंद करने की बात हुई है. हाँ, उससे ओजोन को फायदा होगा, ये दूसरी बात है. ठीक है, ओजोन का तो प्रोडक्शन हो रहा है, बट गैस कौन सी कम होगी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से सीएफसी गैस का कम प्रोडक्शन कम होगा. ठीक है, तो इसीलिए होगा. ओके, ये लगता है ओजोन. देखो यही तो था उसका जो उसने स्मार्टनेस पेपर सेटर ने दिखाई थी कि ओजोन को भी रखेंगे और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी रखेंगे, और उसमें जो है ओजोन जो है वो दोनों एक जैसे रहेंगे. तो फिर इसमें रीजनिंग लगाकर हमें इसको आंसर को सोल्व करना था कि क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा गैस कम हो रहा है और मॉन्ट्रियल में कौन सा गैस कम हो रहा है. ठीक है, 14th क्वेश्चन हम करते हैं. 14th का बताइएगा. मनोज बताइए 14th का आंसर. चलो मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं. देखो ये कुछ एक डेंसिटी के पॉइंट्स हमें याद करने हैं. एयर का डेंसिटी कितना होता है ये याद करना है, 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सैलिन सी वाटर का डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कितना होता है, वो होता है
किलोग्राम मीटर क्यूब में है तो मैं इसे किलोग्राम मीटर क्यूब में ही बदलूंगा, 1035 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सी वॉटर का डेंसिटी हो गया। इसको जो ऊपर नंबर है जो हमने देखा था वो था 1.03, पर वो ग्राम, इसका दूसरा नंबर रहेगा 1.035 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों एक ही बात होती है, 1.035 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1035 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन ये है कि एयर डेंसिटी सी वाटर की डेंसिटी का कितना गुना होती है, सी वाटर एयर डेंसिटी का कितना गुना होता है, तो मैं क्या करूंगा 1035 को 1.22 से डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करने में जो नंबर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 800 टाइम्स मिलेगा, इसको मैं इससे जब डिवाइड करूंगा तो 800 नंबर आना चाहिए। ये डिवाइड करेंगे तो 800 के आसपास नंबर मिलेगा, तो हमारा आंसर रहेगा 800 टाइम्स मोड ऑफ देन एयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंसिटी के नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग रूपों में घुमा घुमा के पूछा जा चुका है, जैसे कि अभी ऊपर भी पूछा गया है, तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेज हैज द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड, तो वो कौन कौन सी टाइड है, वो है बे ऑफ बंगाल में आती है, हडसन बे में आती है, बे ऑफ कंबात में आती है, बे ऑफ फंडे में आती है। दीप हैज आंसर्ड सी, रोशन हैज ऑल्सो आंसर्ड सी, यस बे ऑफ 18 मीटर हाईएस्ट, ठीक है। हेलो मीतल पटेल, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन मीतल पटेल? ये तो बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आ गया है मीतल पटेल, और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे जो है वो इन इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लें, और अगर पता है तो जवाब जरूर दें कि वेजिटेबल्स और मिल्क कहाँ से। मैं तो खुद ही इकट्ठा करने के लिए जाने वाला हूँ मीतल, आफ्टर 9:30 आई वुड बी रशिंग टू गैदर एज मच एज फूड एंड राशन सप्लाई आई कैन गैदर, मैं तो खुद भागने वाला हूँ 9:30 के बाद, जो जितना इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत सरप्लस हो सकता है शायद, शायद हमें ना कर्फ्यू में छूट मिलेगी मित्तल, जैसे कि कर्फ्यू होता है ना तो शायद कुछ छूट मिलती हो 1-1.5 घंटे के लिए, माइट बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वुड गवर्नमेंट डू, पर मिलनी चाहिए है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है वो लॉकडाउन में तो नहीं रह पाएगा, फिर देखते हैं, पर हमारे भलाई के लिए, देखिए एंड रिजल्ट तो हमारे फायदे के में ही होने वाला है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस होगा पर उससे हमारे लॉन्ग टर्म, हमारा कुछ एक लोगों का जान जरूर बचेगा, जो इटली में गलती हुई है, स्पेन में गलती हुई है, वो शायद इंडिया में नहीं हो पा रही। कौन से का अनिल, आपने कौन से का आंसर किया है सी, इसी का 15 का, ओके ये क्वेश्चन देखेगा, इसमें मुझे ब्लफ के बारे में बताना है, 1, 2, 3, 5, 4, 5 क्या होते हैं, इसमें ब्लफ्स कौन से हैं, ब्लफ्स इट इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन, इट इज एन एमसीक्यू नॉट पीवाईक्यू,
ओके महेंद्र, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। देखिए ब्लफ्स कहां पर होते हैं, ये ब्लफ्स है, ब्लफ्स जो है वो इरोजन लैंडफॉर्म होता है, और इधर ये ब्लफ्स हैं ये वाले। तो नदी के किनारे जहां से रिवर बह रही है, जैसे कि रिवर ऐसे जा रही है, तो इस रिवर के दोनों तरफ नेचुरल लेवीज बन जाते हैं। इनको कहते हैं नेचुरल लेवीज। और इधर होते हैं हमारे ब्लफ्स। तो 1 एंड 5 ब्लफ्स। सी, बिल्कुल सही जवाब है महेंद्र आपका, सी आंसर है। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा मीन सी लेवल प्रेशर डिक्रीज बाय हाफ एट द अल्टीट्यूड ऑफ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर अल्टीट्यूड जो एयर प्रेशर जो है वो हाफ हो जाता है। नहीं महेंद्र, 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 6 किलोमीटर की हाइट तक, 6 किलोमीटर तक जो है ना एयर प्रेशर आधा रह जाता है, एग्जैक्टली 5.6 किलोमीटर, 7th करते हैं। लैप्स रेट इसका आंसर रहेगा, लैप्स रेट।
हाँ ठीक है ठीक, मैं समझ गया। एट का बताइएगा। ट्वेल्व रहेगा है ना। नाइन मैग्नेटोस्फेयर में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। टेंथ पढ़ते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ सीओ टू इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल, बिल्कुल ठीक है। सीओ टू कैन एब्जॉर्ब हीट, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में हीट एब्जॉर्ब करती है वो सीओ टू गैस करती है, दोनों ठीक है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर एक्सप्लेन से, तो ए हमारा आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बोल देता हूं इसको। जो एसर्शन, जो कथन है ना, वो ये कह रहा है कि लैंड सरफेस इज हीटेड मोर क्विकली एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द वाटर सरफेस व्हेन सब्जेक्ट टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। पृथ्वी की जो सतह है वो बड़ी तेजी से गर्म होती है पानी की सतह के मुकाबले जब दोनों पर एक जितना इंसुलेशन मिल रहा हो, और उसका कारण ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड जो है वो वाटर से ज्यादा है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट किसी भी चीज की वो उतनी हीट होती है जितनी उस वस्तु की जिसको कि गर्म किया जाना है उसके 1 ग्राम वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए। तो कोई वस्तु अगर वो मान लीजिए 1 ग्राम है और मुझे इस 1 ग्राम वस्तु, मान लो कि 1 ग्राम पानी है, तो मुझे इस वस्तु का 1 ग्राम पानी का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितने कैलोरी हीट, जितनी गर्मी मैं इस पानी को देने वाला हूं वो हीट स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ठीक है। अब लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लैंड जो है उसका स्पेसिफिक हीट जो है ना वो बहुत कम है। पानी का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है। पानी बड़ी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। देखो ना, ओशियंस का टेम्परेचर जो है वो 26.60 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पर बना रहता है। तो पानी को गर्म करना भी बड़ा मुश्किल है और ठंडा भी बहुत देर से होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट जो है ना बहुत ज्यादा होती है। जो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि किसका स्पेसिफिक हीट तेज होता है, किसका स्लो होता है, ज्यादा होता है, किसका कम होता है। जो भी चीज थोड़ी सी गर्मी में, थोड़ी सी देर में ही गर्म हो जाए ना, उसका स्पेसिफिक हीट है ना कम है। जैसे कि स्टील का बर्तन, आप उसको गैस पर रखिए तुरंत गर्म हो जाता है। इसका स्पेसिफिक हीट कम है। स्टील जो है थोड़ी गर्मी में ही बहुत तापमान बढ़ा देता है। पर उसी उसी स्टील के बर्तन के अंदर जब पानी होता है और जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी बड़ी देर से गर्म होता है क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। तो नीचे से बहुत सारी जब तक हीट नहीं आ जाएगी तब तक तो वो गर्म नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले, जबकि दोनों को सेम इंसुलेशन मिलती है।
तो ये तो ठीक है, जमीन बड़ी जल्दी गर्म होती है, पानी बड़ा देर से गर्म होता है, इसीलिए लैंड ब्रिज सी ब्रिज भी चलती है इसके कारण। ये तो ठीक है, स्पेसिफिकेट ऑफ लैंड इज मोर देन, नहीं ये गलत है, लेस देन है। तो ए ठीक है, आर गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। नहीं पीयूष, इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट है ना पानी की ज्यादा होती है जमीन के मुकाबले। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पीयूष का आंसर ठीक है। ओके, सेवेंटी। अनिल ने कहा है सी। ठीक है अनिल, सही जवाब आपका, राइट, अनिल कुमार ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही आपका, ये 166 मीटर गया। चलिए ये करते हैं, आज के व्यूज का करते हैं। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है, पी है जो कि तीनों से कर सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड।
लोकेशन ऑन द वेस्ट कोस्ट इन द ट्रॉपिक. तो जो कालाहारी बनने का मेन कारण ये है कि ट्रॉपिक रीजन में ये वेस्ट कोस्ट पर है, तो वहां पर ठंडी जलधारा भी बहती है और ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कंडीशन. फोर्थ क्वेश्चन, रोशनी ये कौन से वाले का आंसर दिया आपने, इसी का फोर्थ का? हाँ ये ठीक है, बराक दीप का सही आंसर आया बिल्कुल जी. और डेली मीन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे दीप, जैसे कि आज 24 मार्च है और जैसे मैं दिल्ली में हूं तो मुझे आज का एवरेज टेम्परेचर चाहिए भाई. आज 24 मार्च का मुझे टेम्परेचर चाहिए एवरेज, आज का जो आज का डेली टेम्परेचर है ना, डेली एवरेज टेम्परेचर, डेली मीन टेम्परेचर वो चाहिए. तो वो कहां कैसे निकालूंगा मैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आज जो सुबह 4 बजे 3 बजे जो सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर था सपोज 36 डिग्री सेल्सियस है, और सुबह जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा 5 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे मान लो 18 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम और मिनिमम को 24 घंटे के टेम्परेचर को मैक्सिमम और मिनिमम दो घंटे के टेम्परेचर हमें चाहिए होंगे, इन दोनों को जोड़ देना है और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें इसका एवरेज भी तो निकालना था ना. तो 27 डिग्री सेल्सियस वो 24 मार्च का टेम्परेचर में लिखा जाएगा, 24 मार्च का जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस ये होगा. तो फिर पूरे मार्च के एक एक दिन का हम रख लेंगे, एक मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, और 31 मार्च तक 31 टेम्परेचर हो जाएंगे. तो उन सबको जोड़ लेंगे, जैसे कि 1 मार्च को मान लो 22 डिग्री सेल्सियस था, 20 साढ़े 22 डिग्री सेल्सियस, अभी बढ़ते बढ़ते वो 27 हो चुका है, लास्ट तक वो शायद 29 चला जाएगा. इन सब को जोड़ के 31 से डिवाइड कर देंगे, यही इसमें हमारा आंसर रहेगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. एन एरिया विच हैज नॉट बीन ग्लेशिएटेड मे शो. तो इसमें हमारा आंसर रहेगा वी शेप्ड वैली. ठीक है, तो चलिए आज के लिए है ना मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अर्जेंटली अभी जाना है कहीं पर, क्योंकि रात को कर्फ्यू लग रहा है तो मुझे जाकर वापस आना है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट यूट्यूब क्लास पर हम फिर से ज्वाइन करेंगे. चलिए गुड नाइट. हाँ.